गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 8 के बचे हुए दो लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो इसके लिए आप लोग तैयार हो जाएं। और उससे पहले अपना अपना अटेंडेंस बना लें, और फिर जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है, तो नोटबुक, पेंसिल और इरेजर आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और कंटिन्यू जो है 8 चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 9 और 10 दो और चैप्टर्स हैं जिसका हमें क्वेश्चन आंसर करना है अभी। ठीक है, तो फिलहाल आज हम लोग 8 का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का जो बचे हुए दो क्वेश्चन है उसको करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। 4th क्वेश्चन है लॉन्ग का, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का। 4th क्वेश्चन, व्हाई इज एजुकेशन इम्पॉर्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा भी है व्हाई इज एजुकेशन इम्पॉर्टेंट, और वास्तव में ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जिसपे हमारा लाइफ वेस्ट है, एजुकेशन है ना। Education is important because it plays an important role in development of a child's personality. Education is important because it plays an important role in development of a child's personality. For the
डिस्ट्रीब्यूशन इज इम्पोर्टेंट इसको हम देखते हैं हम लोग व्हाई एजुकेशन इंपॉर्टेंट. एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड्स पर्सनालिटी. नॉलेज कम्स फ्रॉम एजुकेशन. एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ अ फैमिली अ सोसाइटी एंड अ नेशन. ठीक है. स्टूडेंट्स इसको आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं. आप प्रयास करेंगे तो आप अपने तरीके से इसको लिख सकते हैं. एजुकेशन के बारे में क्या है महत्व है एजुकेशन का, है ना, कई तरीके से इसको लिखा जा सकता है. तो बेहतर यही होगा कि आप अपने लैंग्वेज में इसको लिखें और सही आंसर होना चाहिए, है ना. आपके हेल्प के लिए मैंने लिख दिया है यहाँ महत्व है. इस तरह से हमारे जीवन में शिक्षा का महत्व है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट एनी टू लिटरेसी प्रोग्राम्स स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट.
आइए देखते हैं क्वेश्चन है राइट अबाउट एनी टू लिटरेसी प्रोग्राम स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड सम लिटरेसी प्रोग्राम्स टू ऑफ देम आर एज फॉलोइंग. फर्स्ट वन इज एडल्ट एजुकेशन एंड फ्री एजुकेशन up to primary level has been started to improve literacy. Okay. Second one is the Sarv Shiksha Abhiyan was launched in 2001 to ensure that all the children from 6 to 14 years attend school and should get word and complete and complete 8 years of schooling. ठीक है, तो ये दो पॉइंट है, दो लिटरेसी प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए कई सारे प्रोग्रामों में से दो प्रोग्राम के बारे में लिखना था, है ना. द सर्व शिक्षा अभियान पहला था एडल्ट एजुकेशन एंड फ्री एजुकेशन. ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान. तो दो प्रोग्राम के बारे में लिखा गया है यहाँ पे, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है. तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे ये चैप्टर 8 जो है कंप्लीट होता है, इसका कंप्लीट हो चुका है. अब हम लोग 9th चैप्टर का क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. 9th चैप्टर जो कि आपका है द एज ऑफ मशीन्स, इसका हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में. ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हुआ है तो बीच में स्टार्ट मैं नहीं कर पा रहा हूँ. तो नेक्स्ट क्लास में फ्रेश क्लास करेंगे, नेक्स्ट 9th चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तो आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.